दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक दवा जब हम ले रहे होते हैं उस समय हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों जब भी हम होम्योपैथिक दवा का सेवन कर रहे होते हैं उस समय अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आप देखेंगे कि होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और ये किसी भी बीमारी को जल्दी से ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों होम्योपैथिक दवा जब आप ले रहे होते हैं तो आपने बड़ी बार देखा होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपने कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, खट्टी चीज़ें, हींग, तेल मसाले वाली चीज़ें या कोई स्ट्रांग स्मेलिंग वाली चीज़ें, कपूर, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना है या इन चीज़ों से दूर रहना है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बहुत सी होम्योपैथिक दवाएं, सारी की सारी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि स्ट्रांग स्मेलिंग के संपर्क में आने के बाद अपना प्रभाव कम दिखाने लगती हैं। अब जब भी कोई ऐसी दवा हम ले रहे हों जो कि कपूर से सपोज़ अफेक्टेड होने वाली है या कपूर के सानिध्य में आने पे उसका असर कम होता है, तो अब आप सोचिए कि अगर आप उस दौरान कपूर सूंघ रहे हैं या कपूर का कहीं किसी भी रूप में सेवन कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब भी आप उस दवा का सेवन करेंगे तो उसका असर कम होगा शरीर के ऊपर। अब आप मान लीजिए कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जिसमें कच्चे प्याज या कच्चे लहसुन को यूज़ करने के बाद में उसका असर कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब आप कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि उस दौरान उसका जो असर है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, दवा का असर कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा आपको कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों का कम से कम सेवन करिए या ना करिए तो सबसे बढ़िया। अब दोस्तों चूंकि हम दवाओं का रिपीटेशन करते हैं, पहले के समय में क्या होता था, डॉक्टर हेमंत साहब या और जो दूसरे डॉक्टर के समय में आज से 50 साल 100 साल पहले, उस समय क्या होता था कि जो दवाएँ यूज़ की जाती थी उसमें आप देखेंगे कि एक डोज, एक खुराक में ही लगातार 15 दिन, 20 दिन या और लंबे समय तक उसका असर रहता था। उसका कारण क्या होता है दोस्तों? उसका कारण ये होता है कि उस समय में क्या होता था कि जितने भी आजकल जैसे डाई, यूरिया, पोटास, कीटनाशक, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। खाने में बहुत से ऐसी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, कच्ची चीज़ें, पहले के लोग थोड़ा सा बर्ताव कर लेते थे कि नहीं हमको ये चीज़ नहीं खाना है, डॉक्टर कह देता था तो उस चीज़ को फॉलो करते थे। लेकिन आज के क्या है, आज हर कोई यूज़ करता है कच्ची चीज़ें या इधर उधर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें लोग खाते हैं, तो अब इसलिए रिपीटेशन करना पड़ जाता है कि चूँकि अगर रिपीट आप नहीं करेंगे तो दवाओं का जो असर है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा कि हम चाहते हैं। मान लिया आपने कुछ खाया, दवा खाई और उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो जिसने कि दवा का असर को कम कर दिया, तो अब क्या होगा कि दवा का असर उतना अच्छे तरीके से शरीर पर ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने भाई दिन में 2 बार या 3 बार उस दवा को रिपीट कर दिया तो क्या होगा कि अगर बीच में आपने कुछ खाया भी होगा, कुछ ऐसी चीज़ खाई होगी जिससे दवा का असर कम हुआ होगा, तो अगला डोज जब शरीर के ऊपर पड़ेगा तो वो उसको क्या होता है, इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है, तो दवा का असर फिर से वापस उसी तरह से होने लग जाता है दोस्तों। इसीलिए दवाओं का रिपीटेशन करना आज के समय में एक तरह से कह लीजिए तो मजबूरी बन गई है, ठीक है, ताकि जल्दी से रिकवरी हो, चूँकि पेशेंट भी चाहता है कि जल्दी से सही होना, तो ये एक बड़ा कारण बन जाता है। पहले के समय में क्या होता था, पहले ना तो डाई, यूरिया, पोटास, खाद, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, लोग भी थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखते थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये बड़ा कारण होता था दोस्तों। सेकेंडली क्या होता है कि जब आप रिपीटेशन करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आप जब आप क्रॉनिक केस में हैं तो आप क्रॉनिक केस में हमेशा रिपीटेशन करने के बारे में नहीं सोच सकते, आपने एक बार पावर की दवा दी तो फिर आप थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन अगर वही एक्यूट केस है वहाँ पे हमको लगता है कि रिपीट करने की आवश्यकता है तो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं ताकि जल्दी से दवा का असर हो करके जो बीमारी जल्दी से आई है वो जल्दी से चली भी जाए। क्रॉनिक केस में भी रिपीट करते हैं लेकिन उसकी अलग कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं अगर किसी भी चीज़ का, खाने पीने का, तो आप देखेंगे कि आप अपनी किसी भी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सके। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।